पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही तल्खी को मिटाने में कांग्रेस आलाकमान लगभग कामयाब हो चुका है और अब बारी है राजस्थान की, जहां सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच कड़वाहट चल रही थी। शुरुआत में अशोक गहलोत पायलट से समझौता करने को तैयार नहीं थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के दबाव में वो झुकते दिख रहे हैं। गहलोत पायलट समर्थक विधायकों को सत्ता में भागीदारी देने को तैयार हो गए हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो पायलट समर्थक किस विधायक को सत्ता में मिली हिस्सेदारी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अशोक गहलोत लंबे समय से अपने मंत्रिमंडल का विस्तार टाले हुए हैं। उनकी सरकार में आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री बनाए जाने हैं। कांग्रेस आलाकमान भी गहलोत को लगातार निर्देश दे रहा है कि वो जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें, जिससे सरकार में सचिन पायलट समर्थकों को शामिल किया जा सके। लेकिन गहलोत इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। गहलोत की पायलट से नाराजगी नई नहीं है, लेकिन पिछले साल ये नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी और अपने समर्थक डेढ़ दर्जन विधायकों के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में डेरा डाल दिया था। उस समय पायलट समर्थक मंत्रियों को गहलोत ने तुरंत बर्खास्त कर दिया। बाद में प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद पायलट ने अपना मन बदल दिया। बदले में कांग्रेस पायलट की शिकायतों पर विचार को तैयार हो गई। पायलट की कुछ मांगे तो तत्काल मान भी ली गई, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद पायलट को दिए आश्वासन पूरे नहीं हुए, क्योंकि गहलोत इसके लिए तैयार नहीं थे, जिस कारण कांग्रेस आलाकमान गहलोत से नाराज दिखाई दे रहा था। इसी नाराजगी को दूर करने की कोशिश अब अशोक गहलोत की ओर से होना शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत विधानसभा की कमेटियों में पायलट गुट की भागीदारी से हुई है। सचिन पायलट को विधानसभा की एथिक्स कमेटी में शामिल किया गया। पायलट गुट के ही नेता दीपेंद्र सिंह शेखावत को एथिक्स कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पायलट समर्थक रमेश मीना और विश्वेंद्र सिंह को इस कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया। इसके साथ ही नाराज होकर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी को विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, जिससे साफ है कि हेमाराम का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और उन्हें मना लिया गया। पायलट गुट के विधायक इंद्रराज गुर्जर, वेद प्रकाश सोलंकी, मुरारी मीना और हरीश मीना को भी विधानसभा की समितियों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही गहलोत ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं, जिसमें पायलट गुट के विधायकों को भी जगह दी जाएगी। राजनीति नियुक्तियों में भी पायलट समर्थकों का ध्यान रखा जाएगा। इन सबके बीच कांग्रेस नेतृत्व ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला अपने हाथों में ले लिया है। कांग्रेस नेतृत्व ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सीधे जिला प्रभारियों से नाम मांगे हैं। इनकी नियुक्ति सीधे दिल्ली से किए जाने के संकेत दे दिए हैं, जिससे साफ है कि पायलट का वजन एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में बढ़ता दिख रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।